नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां बहुत ही चरम पर है और हम जहाँ पर आए हैं वो है जामनेर शहर। जामनेर विधानसभा क्षेत्र जो है ये महाराष्ट्र भर में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और उसका कारण है क्योंकि यहाँ पर ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन विधायक हैं और उनके सामने जो लड़ रहे हैं अभी उनके विरोध में वो है दिलीप खोड़पे सर, जो कि एकनाथ राव खड़से के शिष्य माने जाते हैं, एकनाथ राव खड़से के समर्थक माने जाते हैं। और एकनाथ राव खड़से और गिरीश महाजन में किस तरह से प्रतिद्वंदी का दौर चला करता है वो आप सभी को पता होगा। हमारे साथ जामनेर के यहाँ पर हम जहाँ आए हैं वहाँ रिक्शा स्टैंड है, तो ये सभी रिक्शा चालक हैं, क्या कहना है इनका, किस तरह से यहाँ पर जलगांव में जामनेर में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, इनसे बातचीत करते हैं और यहाँ का माहौल जानते हैं। सर, जामनेर का माहौल क्या है, कौन यहाँ पर आगे है चुनाव प्रचार में या काम में? भाऊ गिरीश भाऊ महाजन काम किया है उन्होंने सब सब, पर लोग तो ऐसा कहते हैं कि काम नहीं करते। काम नहीं करते हा? जिनको नहीं बोल रहे उनको बताओ जरा काम क्या है जामनेर, बोलने से क्या होता है। अच्छा, मतलब गिरीश महाजन काम करते हैं? 100% काम होता है। सर आपके मत में क्या है? गिरीश भाऊ आरोग्य का काम एकदम बढ़िया करते हैं। ओके, वो गरीबा के माँ बाप का डायरेक्ट विकास कुछ जामनेर में हुआ है? बहुत करेले उनने सब दूर कराए, रस्ते घिस्ते सब टकाटक कर दिए। ओके, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देखने का ऐसा। जो विरोधक हैं वो लगातार आरोप लगाते हैं कि कुछ भी काम नहीं करते हैं गिरीश महाजन, सिर्फ हवाबाजी करते हैं। क्या कोई ऐसा कोई उल्टा बोलता कोई सीधा बोलता, अपन भाव का काम बहुत फौश है। मतलब आपको लगता है कि इस बार भी गिरीश महाजन ही है? और वही आएंगे। आपका क्या बोलना है? चुने के लिए भाव को प्रचार करने की जरूरत भी नहीं और लोग आग लगा के उनको चुन के देंगे, क्योंकि उन्होंने जो किया है उस दुनिया में क्या किसने किया नहीं है। वो जो दो आदमी मानस है वो गरीबों का भी है और बड़े वाले का भी है, अच्छे को और भेदभाव नहीं करता वो। अच्छा, हाँ और क्या तो, हाँ और बहुत अच्छा आदमी। आप तो युवा हैं तो आप क्या मानते हैं इस बार युवा काफी? गिरीश महाजन इधर कोई भी आ जाए गिरीश महाजन आएगा। गिरीश महाजन बस क्या उसको कोई जोड़ नहीं है, जोड़ लगने की नहीं है तालुके में, वो आदमी भारी हो गया। आप कहाँ पे रहते हैं? आप बाकी को रहते हैं? अच्छा, जामनेर में ही रहते हो? ओ, जामनेर में तो जाओ करते हैं हम, खेड़े पे रहते हैं। सारे चुनाव देखे होंगे? हाँ, बहुत सारे चुनाव देखे। इस बार कुछ लगता है तो ऐसा हो कैसा हो, अपना पंजे का सरकार आया था ना, ऐसा हो इसका सरकार आ रहा। अच्छा, ऐसी बात है। ये हमारे साथ यहाँ पर जो नागरिक थे, हालांकि ये सब रिक्शा स्टैंड पे हैं तो हम रिक्शा चालक हैं, ये जनरली लोगों से मुलाकात करते हैं, लोगों से मिलते भी रहते हैं, इनके मन की भावनाएं ये आप तक पहुंचा रहे थे और आप तक के माध्यम से हम फिर और भी लोगों से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि जामनेर का मूड किस तरीके का है।